मैं अहिल्या माँ अहिल्या जी की नगरी को नमन करती हूँ। अब बताइए, भाजपा की सरकार ने आपको स्मार्ट सिटी बनाया ना? स्मार्ट सिटी बनाया कि नहीं? स्मार्ट कब होगे? इस चुनाव में स्मार्ट बन रहे हो कि नहीं, यही बता दो। इस चुनाव में आप जागरूक बन जाओ, मेरा यही आग्रह है आपसे। आप इस चुनाव में अपनी जागरूकता को ही अपनी देशभक्ति बना दो। आपके सामने तमाम नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, आपने टीवी पे भाषण देखे होंगे, देखे प्रधानमंत्री जी के भाषण, बोर हो गए क्या? बोर कर दिया क्या? बोर हो गए? देखिए देखिए, इस देश के सबसे बड़े वित्त विचारक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने नोटबंदी लाई, नोटबंदी से उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि 50 लाख रोजगार घट गए। इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं कि किसी से पूछने के बिना नोटबंदी ले आए। उसके बाद बहुत तामझाम के साथ बड़ा एक प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, तामझाम के साथ उन्होंने जीएसटी का ऐलान किया। आप बताइए, जीएसटी से आपका क्या हुआ? छोटे दुकानदारों और छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ी, आपके कारोबार बंद होने के कगार पे आ गए हैं। जब मैं दुकानदारों से बात करती हूँ, मुझे कहते हैं, दीदी दिल करता है हम दुकान बंद ही करते हैं। मैं अमेठी के एक दर्जी की दुकान में गई, दर्जी ने मुझे बताया कि दीदी कपड़े की एक टैक्स है, सिलाई की एक टैक्स है, धागे की एक और टैक्स है, कढ़ाई की एक और टैक्स है। मैं तो इतनी उलझन में पड़ गया कि मुझे दुकान बंद करनी चाहिए। जहाँ जहाँ मैं डर जाती हूँ, मुझे दुख और पीड़ा दिखती है। बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, ऐसे प्रचार हो रहे हैं कि मानिए, इस देश में कभी पहले विकास हुआ नहीं, और जितना इन 5 सालों में हुआ है उतना तो कभी भी नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है, तो पूरा देश परेशान क्यों है? इधर देखिए, नौजवान परेशान क्यों है? मैं हर बाजार में, हर चौराहे पे नौजवानों से बात करती हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, सब त्रस्त है, सब परेशान है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं, बताइए मिले आपको रोजगार? मैं बताती हूँ, 5 सालों में 5 करोड़ रोजगार घट गए हैं, 5 करोड़ रोजगार कम हुए हैं, सरकारी रोजगार 24 लाख खाली पड़े हैं 5 सालों के लिए। कोई किसी भी तरह से उन्होंने उनको भरने की कोशिश नहीं की। नौजवान तमाम बेरोजगार है और 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। आपने क्या किया? कहते थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, फिर 30,000 करोड़ का राफेल घोटाला किसने करवाया? इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने खुद तय कर लिया कि जहाज कौन बनाएगा, जिसने कभी एक हवाई जहाज जिंदगी में नहीं बनाया था वो बनाएगा। उसको जमीन भी दे दी, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, एचएएल से बनवाया नहीं, जिसने 50 साल के लिए जहाज बनाया,
इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है, रेडार पे नहीं आएंगे। लेकिन रेडार पे आ गए बहनों और भाइयों, रेडार पे आ गए हैं। और चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे खुली धूप हो, सब समझ गए हैं कि इनकी राजनीति की सच्चाई क्या है। आपको 15 लाख रुपए देने का वादा किया, कुछ नहीं हुआ। किसानों को कहा कि आमदनी आपकी दुगनी होगी, कुछ नहीं हुआ। जितने भी वचन दिए थे, जितनी उम्मीद आप में जगाई थी और आशा आप में जगाई थी, उसका सरासर निरादर किया है। पांच सालों में अमेरिका घूमने का मौका मिल गया, ओबामा जी से गले लग गए, जापान में ढोल बजा के आ गए, चीन के राष्ट्रपति से गले लग गए, पाकिस्तान में बिरयानी खाई। लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र में, वाराणसी पूरे संसदीय क्षेत्र में, 5 सालों में एक गरीब एक किसान के घर नहीं गए, एक भारत के एक देशवासी से गले लगते हुए देखा है आपने। कुछ दिनों पहले चुनाव के प्रचार के समय मैंने अखबार खोला और मैंने प्रधानमंत्री जी की फोटो देखी, एक बच्चे को गोद में लिए हुए थे और उनको चूम रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने देखा, मैंने सोचा देखिए, मैं हर जगह कहती हूँ कि किसी से गले नहीं लग रहे हैं, कम से कम मेरी बात तो सुन ली, किसी के बच्चे को गोद में लेके उनको चूम रहे हैं। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, नीचे लिखा था अमित शाह के पोते हैं। मैंने कहा ये लो, मैं खुश हो रही थी कि मेरी बात मान ली, देशवासियों से मिल लिए, किसी के बच्चे को उठा के थोड़ा सा प्यार कर लिया और ये बात निकली। तो क्या हो गया है 5 सालों में, क्या हो गया है? देखिए, मैंने सत्ता को बहुत करीब से देखा, बचपन से मैंने बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को देखा, इंदिरा जी को देखा। और सत्ता में एक बात होती है अहम, कि जिस दिन किसी भी नेता को ये गलत फहमी हो जाती है कि सत्ता खुद की है, कि सत्ता देने वाली जनता को भूल जाता है नेता, उसमें इतना अहंकार बढ़ जाता है, तो उस नेता का भविष्य तय हो जाता है। और पिछले 5 सालों में क्या हुआ है? ये हुआ है कि भाजपा की सरकार, उनकी नेता, उनके प्रधानमंत्री सत्ता की मोह माया में घिर गए हैं। उनको सिर्फ यही दिख रहा है कि किस तरह से सत्ता हमें अपने पास रखनी है। वो आपके बीच आना बंद कर दिए हैं, आते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगों में, बड़े बड़े प्रचार करने के लिए, नई नई उम्मीदें जगाने के लिए, जिनको ठुकराने वाले हैं। वो डिजिटल कैमरा भी ले आए। जहां तक मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत है, लेकिन 1987 में बना ही नहीं था। खैर, बात यह हुई है कि उनका अहंकार बहुत बढ़ गया है, वो सत्ताधारी लोगों से घिर गए हैं। पब्लिक से तो मिलते नहीं है, जनता से मिलते जुलते नहीं है, तो उनको ये समझ भी नहीं है कि जो इनकी नीतियां हैं, इनसे आप पर क्या बीत रही है। एक दिन तय कर लिया कि नोटबंदी करेंगे, आपको कतार में खड़ा कर दिया, आपकी देशभक्ति की चुनौती दे दी। कोई बीजेपी का नेता देखा आपने क्या लाइन में?
किसी भी अमीर उद्योगपति को देखा? एक व्यक्ति था लाइन में आपके साथ, आप भूल गए, मैं याद दिलाती हूँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी कतार में खड़े हुए थे और इनके तमाम नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वह एकमात्र नेता थे जो नोटबंदी के समय आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कतार में खड़े हुए। आपकी देशभक्ति को देते हैं चुनौती, आपको कहते हैं कि कतार में खड़े हो जाइए, दुनिया का काला धन वापस आ जाएगा देश में। क्या आया बहनों और भाइयों, क्या आया? एक रुपया नहीं आया, एक रुपया नहीं आया। इनकी नीतियों का जो पब्लिक पर असर हो रहा है, उनको इसका कोई समझ नहीं रहता। आज स्थिति यह है कि इनकी नीयत भी खराब है और इनकी नीतियां भी खराब है। देश भर में किसान की जो आज परिस्थिति हुई है, वो मेरे ख्याल से दशकों में नहीं होगी कि 12,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देश भर से पैदल किसान दिल्ली आए, उन्होंने कहा मोदी जी हमें 5 मिनट का समय दीजिए। उन्होंने वो अपने आलीशान रेसकोर्स रोड के बंगले से 5 मिनट के लिए निकल के उनसे मिल नहीं पाए, किसानों का दुख उनका दर्द सुन नहीं पाए, और अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है जो किसान को सुरक्षित नहीं रख सकता? कैसा राष्ट्रवाद है जो नौजवान को सुरक्षित नहीं रख सकता? कैसा राष्ट्रवाद है जिसके राज्य में महिला, मेरी बहनें, असुरक्षित हैं? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो आदिवासियों से अपने अधिकार छीनता है? कैसा राष्ट्रवाद है कि जब दलितों की पिटाई सरेआम पिटाई होती है तो मौन रहता है, जब SSC के छात्र उनके घर के बाहर आके धरना देते हैं तो मौन रहते हैं, जब SC/ST एक्ट हटाया जाता है तो मौन रहते हैं? कैसे राष्ट्रवादी हैं? आप में बहुत विवेक है और मुझे बचपन से सिखाया गया है कि जनता के विवेक का आदर करना है। आप में बहुत विवेक है, आप जागरूक बन जाइए। जो नेता आपके सामने आता है, जो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, आप उनसे ये पूछिए कि आपने हमारे लिए किया क्या और आप करने क्या जा रहे हैं, ये बताइए। जितने नेताओं की आज हिम्मत हो रही है कि बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े वचन कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, और उन वचनों को पूरा करने की कोई उनमें कोई शुरू से कोई नियत नहीं है, उनकी हिम्मत तोड़िए, उनकी हिम्मत तोड़िए। उनको ये सिखाइए कि भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। नेता को बनाने वाला कौन है? कौन है नेता को बनाने? बोलो हम हैं, बोलिए हम हैं। तो सबक कौन सिखाएगा? आप सबक सिखाइए। बहुत हो चुकी ऐसी राजनीति, 5 साल से परेशान करके रखा है, सिर्फ भाषण भाषण भाषण, प्रचार प्रचार। और जैसे स्कूल, जैसे पाठशाला में वो बच्चे होते थे ना, जैसे स्कूल में वो बच्चे होते थे कि रेस दौड़ रहे हैं और जैसे उनको पता चला कि हारने वाले हैं, वो वहीं पे गिर पड़ते हैं और किसी को कहते हैं कि उसने गिराया, उसने लात मार दी, फलाने ने धकेल दिया। यही स्थिति हो गई है इनकी आज, यही स्थिति हो गई है कि अब चुनाव आ रहा है तो बातें हो रही है 60 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। इंदिरा जी ने ऐसे किया, नेहरू जी ने वैसे किया, राजीव जी ने ऐसे किया, ये बातें हो रही हैं। अरे अरे, सदी में तो आइए, इधर तो आइए, अपने पांव जमीन पर तो लाइए। जनता पूछ रही है आपने हमारे लिए क्या किया, पिछले 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया?
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।